इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन धुले महाराष्ट्र, दाहीबेन कस्तूर चंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी जैनम बोरीवली मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधु श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवी जैन, सेक्टर 21 गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A गीतानगर इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती रविकांत जैन कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली, पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार टोंक राजस्थान, श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी कलकत्ता, श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान, जय जिनेन अठ विह कम मुके अठ गुण ढे अणोव में सिद्धे अठम पुण विण विठे लिठियक जेय वंद मोणिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ प्रारंभ हुआ था। एक गाथा मंगलाचरण वाली प्राकृत भाषा की हमने पढ़ाई थी, कड़ी तो नहीं लगी। हमने माना प्राकृत भाषा थोड़ी सी कड़ी है लेकिन फिर भी संस्कृत से सरल है। ये पहले बोलचाल की भाषा थी। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने बोलचाल की भाषा में ग्रंथों को रच के महान उपकार किया ताकि जनमानस उसको समझ सके। पिछली पाठशाला में आपने सिद्ध भगवान की वंदना रूप पहला मंगलाचरण का अर्थ पढ़ा। आइए अब ग्रंथ में आगे जो और गाथाओं का संकलन हुआ है उसमें दूसरी गाथा देखते हैं। मगो मग फलम पिय दुबिहेम जिन सासने सम खादम मखो मुख उवाओ तस फलम होइणे वाणम। आइए एक एक शब्द को ध्यान से समझते हैं। कड़ा है लेकिन समझेंगे तो सरल लगेगा। देखिए मग्गो, मग्गो माने मार्ग और मग्ग फलम और मार्ग का फल अर्थात मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल। तीय ये दुविहम दो प्रकार, दुविहम द्विविधम दो प्रकार जिन शासने जिन शासन में समखादम कहे गए हैं। जिन शासन में दो चीजों का वर्णन है, किसका? एक मोक्ष मार्ग का और एक मार्ग के फल का। मार्ग और मार्ग का फल ये दो प्रकार जिन शासन में कहे गए हैं। मग्गो मार्ग तो मोक्ष का उपाय है और तस्व फलम होय निर्वाणम, तस् माने उसका फल होता है निर्वाण। फिर देखें एक बार, मार्ग और मार्ग का फल ये दो प्रकार जिन शासन जिन भगवान के उपदेश में कहे गए हैं। समखादम मग्गो मार्ग तो मोक्ष का उपाय है और तस्व माने उसका फल
निर्वाण होता है। आचार्य कह रहे हैं जिन शासन में दो चीजों का मुख्य रूप से वर्णन है, एक तो मोक्ष मार्ग का और एक मोक्ष मार्ग के फल अर्थात मोक्ष का। एक बार फिर और देख लें, मार्ग और मार्ग का फल, ये दो प्रकार जिन शासने अर्थात जिनेन्द्र भगवान के शासन में शास्त्रों में कहे गए हैं। मग्गो मार्ग तो मोक्ष का उपाय है और उसका फल निर्वाण होता है। जब तत्वार सूत्र आपने पढ़ा था तो उसके पहले अध्याय का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता मोक्ष का मार्ग है। अर्थात जहाँ ये तीनों होते हैं वहाँ मोक्ष मार्ग होता है। अगर ये दो हो तो मोक्ष मार्ग नहीं। कोई चारित्र धारण कर ले और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो तो भी मोक्ष मार्ग नहीं। जहाँ तीनों है वह मोक्ष मार्ग है। पंडित जी, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है? अभी हमने बताया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर जहाँ तीनों हो वहाँ मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन अर्थात सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, निज पर का भेद विज्ञान, इसका नाम है सम्यक दर्शन। श्रद्धा होना और इनको भली प्रकार जानना सम्यक ज्ञान, और पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्तियों का पालन करना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ। और इसी तरह आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान होना निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना निश्चय सम्यक ज्ञान है। और आत्मा के शुद्ध स्वरूप में आचरण होना, लीन होना सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र है। इस प्रकार दो प्रकार का मोक्ष मार्ग हुआ, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करना, और एक निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करना। पंडित जी, इन दोनों मोक्ष मार्गों के गुणस्थान कौन से माने जाएं? व्यवहार मोक्ष मार्ग का गुणस्थान छठा और सातवां, अर्थात जब तक मुनि महाराज शुभोपयोग में है, शुभोपयोग रूप चर्या है, गुणस्थान छठा और सातवां, तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और सातवें गुणस्थान के शुद्धोपयोग से लगाकर बारहवें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग के साथ निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस तरह इन मोक्ष मार्ग के गुणस्थान समझने चाहिए। पंडित जी, क्या चौथे और पांचवें गुणस्थान व्यक्ति को मोक्ष मार्ग नहीं माना जाएगा? आचार्यों ने चारित्र के गुणस्थान छह और छह से आगे के माने हैं। आप खुद सोचो, क्या चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र होता है? क्या नहीं होता? कौन सा चारित्र होता है? कोई सा नहीं होता। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र न होने के कारण चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग नहीं है। हमने पहले ही बताया था सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, अगर चारित्र नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं। पंचम गुणस्थान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ संयमा संयम है। संयमा संयम देश चारित्र है, सकल चारित्र नहीं, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं। चौथे और पांचवें गुणस्थान वर्ती ये मोक्ष मार्ग ही नहीं होते। मोक्ष मार्ग छठे गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। और अच्छी तरह समझें, वस्त्र है तो मोक्ष मार्ग नहीं। आचार्य कुंद महाराज ने एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, अणगो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ तक तो वस्त्र है, व्रति हो, छुल्लक महाराज, एलक महाराज, आरिका माता जी मोक्ष मार्गी नहीं। मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, अणगो ही मोक्ष मग्गो। इसलिए चौथे पांचवें गुणस्थान में मोक्ष मार्ग नहीं माना जाता।
पंडित जी, यहाँ पर जिन शासन से हमारे लिए क्या समझना चाहिए? जिन शासन का मतलब है भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश। जिन शासन माने जिन पद्धति शास्त्रों में, जिन शासन भगवान ने दिव्य ध्वनि में जो उपदेश दिया उसको जहाँ निबद्ध किया गया उसका नाम है जिन शासन। अर्थात भगवान के उपदेश में मार्ग और मार्ग का फल दो प्रकार कहे गए हैं, ये आचार्य ने लिखा है। जिन शासन माने भगवान का उपदेश। पंडित जी, आचार्य कुंदकुंद महाराज ने सबसे पहले मोक्ष मार्ग और उसका फल का वर्णन क्यों किया? अनंत काल से संसार में दुख पाने वाले हम जीवों को चाहिए क्या? मोक्ष चाहिए। हम भगवान इस संसार के दुखों से कैसे छूटें और उसका मार्ग क्या है, यही तो असली दो चीज़ें हैं। हमें भगवान से दो ही बात पूछनी है, भगवान अनादिकाल से दुखी हो रहा हूँ, इससे छूटने का उपाय बताएं ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं, इन दुखों से मेरा पीछा छूट जाए। तो यहाँ दूसरे नंबर की गाथा में वो ही बात बताई कि भगवान के उपदेश में मार्ग और मार्ग का फल दो बातें बताई गई हैं। मार्ग मोक्ष मार्ग है और उसका फल मोक्ष है। पंडित जी, मोक्ष मार्ग का फल क्या है? मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। जो मार्ग होता है वो वहाँ तक पहुँचाने वाला ही तो होता है। सबसे पहले जब व्यक्ति मुनि बनता है तब उनके व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है। और जब वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, तब उनके निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। पंडित जी, इस पंचम काल में क्या दोनों मोक्ष मार्ग हो सकते हैं? क्या दोनों संभव हैं या नहीं? सच्चे भावलिंगी साधु आज भी हैं, संख्या कम है या ज़्यादा ये प्रश्न दूसरा है, लेकिन भावलिंगी साधु आज भी हैं। और वे भावलिंगी साधु जब शुभोपयोग में हैं तो छठे सातवें गुणस्थान में हैं और उनके व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जब वे भावलिंगी साधु आत्मा में रमण करने लगते हैं और उनके शुद्ध उपयोग होता है उस समय उनके निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। इस पंचम काल में सप्तम गुणस्थान से ऊपर तो जाना संभव नहीं, क्योंकि हमारा वैसा सहनन नहीं है, हम वैसा ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों का वर्णन आचार्यों ने किया है। जब वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में सप्तम गुणस्थान में आते हैं तब उनके निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। जीवादि सदहणम सम्मतम तेसि मदिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम मे सोदुमोख पहो। आइए व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जीवादि, जीव आदि, सद्देहणम सात तत्वों का श्रद्धान करना, सम्मतम सम्यक दर्शन है, तेसिम उनका अधिगमो ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। तेसिम इनको संधि विच्छेद कर दिया, उनका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। और राग आदि परिहरणम राग आदि का दूर करना सम्यक चारित्र है। चरणम चारित्र ऐसो दो इस प्रकार मोक्ष मार्ग है। क्या बताया? व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जीव आदि जो सात तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन जीव आदि सात तत्वों का या पुण्य पाप मिलाया तो नौ पदार्थों का सद्देहणम श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तेसिम अधिगमो उनका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है।
रागादि परिहरणम, रागादिक का दूर होना, आत्मा से राग द्वेषादिक को हटाना, इसका नाम चरणम सम्यक चारित्र है। ऐसो दु मुख पहो, इस प्रकार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन है। पंडित जी, श्रद्धा और ज्ञान में क्या अंतर है? शास्त्रों से पहले 7 तत्व 9 पदार्थ का हमने ज्ञान किया। शास्त्रों में क्या लिखा है, जीव अजीव आश्रव बंध क्या होते हैं, उनको हमने पढ़ा समझा, इसका नाम होता है ज्ञान। और जब उस ज्ञान के ऊपर विश्वास हो जाता है, सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है, यह ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा अटल विश्वास हो जाना, इसका नाम है श्रद्धान। ज्ञान माने जानना है और श्रद्धान माने अटल विश्वास होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन श्रद्धान। ज्ञान ज्ञान है, जब सम्यक दर्शन या श्रद्धान हो जाता है, तब सम्यक दर्शन होने पर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब तक श्रद्धान नहीं, तब तक ज्ञान को सम्यक ज्ञान टाइटल नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान होना, जानना ज्ञान है और उस पर अटल विश्वास होना श्रद्धा सम्यक दर्शन है। पंडित जी, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग में पहले कौन सा होता होगा? देखो, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, व्यवहार और निश्चय। जब 4थे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होगा, वो कहलाएगा व्यवहार सम्यक दर्शन। जब 4थे गुणस्थान वाले का ज्ञान होगा, वो कहलाएगा व्यवहार सम्यक ज्ञान। और जब मुनि महाराज 6ठे 7वें गुणस्थान में चारित्र को धारण करेंगे, महाव्रत समिति और गुप्ती धारण करेंगे, तब कहलाएगा व्यवहार चारित्र। जब ये मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन हो जाएंगे, तब यही सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा, यही ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाएगा और चारित्र भी निश्चय सम्यक चारित्र हो जाएगा। पहले कौन सा होगा? पहले व्यवहार होता है, बाद में निश्चय होता है। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। बिना व्यवहार के कभी निश्चय होता नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, निश्चय हो जाने पर व्यवहार को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, पर नहीं, ऐसा नहीं। 4थे गुणस्थानवर्ती जीव है, आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जो तीर्थंकर कुमार जब तक गृहस्थी में रहते हैं, तब तक उनका सम्यक दर्शन कौन सा है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। अभी निश्चय नहीं हुआ? नहीं, अभी शुभोपयोग में है। इसलिए ऐसा नहीं, जब शुद्धोपयोग में वे मुनि महाराज जाएंगे, तब यही सम्यक दर्शन बजाय व्यवहार के निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र हो जाते। पंडित जी, कुछ लोगों का मानना है कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो मिथ्या दृष्टि के होता है, क्या ऐसा मानना उचित है? अगर ऐसा मानेंगे तो समयसार जी की टीका में जो लिखा हुआ है कि तीर्थंकर कुमार, राम, सगर, भरत चक्रवर्ती आदि को व्यवहार सम्यक दर्शन था, तो क्या वे मिथ्या दृष्टि माने जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तीर्थंकर कुमार कैसे माने जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। अगर आगम खोल के देखें तो आगम में स्पष्ट लिखा है व्यवहार सम्यक दर्शन। परिभाषा, बहिरंग में 7 तत्व 9 पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान, सच्चे देव शास गुरु का श्रद्धान होना, निज पर का भेद विज्ञान होना, और अंतरंग में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का 6 उपशम होना व्यवहार सम्यक दर्शन है। जब व्यवहार सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का 6 उपशम अनिवार्य है, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन पहले गुणस्थानवर्ती के कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। व्यवहार का मतलब झूठा नहीं,
व्यवहार का मतलब ये अभी साधन है, साध्य क्या है, निश्चय है। व्यवहार सम्यक दर्शन पहले, निश्चय सम्यक दर्शन बाद में। व्यवहार सम्यक ज्ञान पहले, निश्चय सम्यक ज्ञान बाद में। व्यवहार सम्यक चारित्र पहले। सबसे पहले मुनि महाराज 28 मूल गुण धारण करेंगे, पहले व्यवहार चारित्री बनेंगे, और जब व्यवहार चारित्री बन के आत्मा में रमण करेंगे, शुद्ध उपयोग में आएंगे, तब निश्चय चारित्री बनेंगे। हमेशा जब भी व्यवहार निश्चय की चर्चा आए, व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है, व्यवहार पहले होता है, निश्चय बाद में होता है, ये मान्यता सही है। व्यवहार को झूठा मानना, व्यर्थ मानना, ये बिल्कुल उचित नहीं। पंडित जी, कुछ लोग चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं, तो उनके हिसाब से तो चौथे गुण स्थान में व्यवहार मुक्त मार्ग हो गया। जीव कांड जी की एक गाथा बहुत अच्छी है, चारित्तम नथ्य जदो अविरद अंतेषु ठाणेषु। उन्होंने स्पष्ट लिखा, नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, चौथे गुणस्थान तक चारित्र का नामो निशान नहीं होता। जब नामो निशान नहीं है तो फिर स्वरूपाचरण चारित्र कैसे मान लिया जाए? और स्वरूपाचरण चारित्र की बात सुननी है तो अच्छी तरह सुने। पहले भी कह चुका हूँ, स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र किसी आचार्य ने किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ये तो पंचाध्यायी कार्य की अपनी उपज है। किसी ग्रंथ में स्वरूपाचरण चारित्र है ही नहीं। किसी आचार्य ने लिखा हो तो मुझे प्रमाण बताएं। मैं तो हर जगह कहता हूँ, स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र है ही नहीं। छेड़ालाकार ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है, यो है सकल संयम, इस प्रकार सकल संयम का वर्णन हुआ, अब स्वरूपाचरण सुनो, अर्थात स्वरूप में आचरण कैसे होता है उसको सुनो। स्वरूपाचरण चारित्र की बात है ही नहीं, और आचार्यों ने तो छुआ ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है आगम का, इसलिए वो तो होता ही नहीं। चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र बिल्कुल नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं, चतुर्थ गुणस्थान वाले के या के मोक्ष मार्ग होसी या अपेक्षा, इसको मोक्ष मार्गी कहो तो कहो, बाकी ये मोक्ष मार्गी नहीं। जब तक व्रतों को धारण नहीं करे मोक्ष मार्ग कैसे होगा? चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र नहीं होता, स्पष्ट है ना। चारित्तम नथ्य जदो, उसका नाम ही क्या है, असंयत सम्यक दृष्टि, अर्थात ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके चारित्र ना हो। अब जिसके चारित्र है ही नहीं उसको मोक्ष मार्गी कहें कैसे कहें, आप खुद सोचो। मेरी बात मानने की बात नहीं, लेकिन आगम की बात पर खुद दृष्टि डालो। आचार्य नेमचंद्र महाराज ने लिखा है और उनके वचन अकाट्य हैं, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग नहीं होता, चारित्र भी नहीं होता, ऐसा श्रद्धांत बनाना चाहिए। आज की गाथा हमने पढ़ी, क्या आज का ये व्यवहार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमें ग्रस्त अवस्था में हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान करें तो हम व्यवहार सम्यक्ति बन सकते हैं, और व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है। आपने चौथे गुणस्थान में प्रवेश किया, अनंत संसार कट के अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार रह जाता है, इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन भी सच्चा सम्यक दर्शन है। आज कुंद महाराज की गाथा बता रही है कि व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो अभी प्राप्त करें, और इसी पर्याय में अगर मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं तो मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन धुले महाराष्ट्र, दाहीबेन कस्तूर चंद शाह कड़ियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी जैनम बोरीवली मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधु श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवी जैन, सेक्टर 21 गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A गीतानगर इंदौर मध्य प्रदेश,
श्रीमती रविकांत जैन कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली, पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक राजस्थान, श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी कलकत्ता, श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।